बाजार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व प्रशासन की बैठक की गई। एडीएम वित्त ने जनपद के एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि राजस्व बकाया को शत प्रतिशत वसूली किया जाए, जिससे जनपद में राजस्व वसूली को पूर्ण किया जा सके। बैठक में एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्त, सीआरओ चंद्रशेखर मिश्र, एसडीएम खजनी विपिन कुमार, एसडीएम गोला अरुण सिंह, एसडीएम बाजगांव अरुण मिश्रा, तहसीलदार चौरी चौरा रत्नेश तिवारी, तहसीलदार कैंपियरगंज रामानुज तिवारी, नायब तहसीलदार सदर राधेश्याम गुप्ता सहित राजस्व के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है। इनका कथन यह है पैनल लायरों का कि जो 122 बी की रिपोर्ट हो जाती है, अब 67 हो गई है। हाँ, उसमें जब रिपोर्ट होने के बाद छुट्टी पर थे तो 3 महीने बाद आए। अच्छा, तो फिर मूल बात बताइए ना। उसमें तो कहीं का भी हो, आप लोगों के यहाँ जो मुद्दे हैं उनको स्पीड अप करा दें, ठीक है, तो आप लोगों की समस्या का भी निस्तारण। जो हमारी ही इकाई जिसको बयान देना है, तहसीलदार लेखपाल तो हमारी इकाई हो गया ना, तो लेखपाल तो प्रेजेंट ही रहे जब भी हमारे। अच्छा, आप गुलाम तो बांस गांव गया था मैं। 122 बी का मसला आया था, तहसील दिवस में भी आया था कि साहब 5-6 साल।